हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जाते पाक वास्ते खास है। दुरूदो सलाम सईदुना व इमामुना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते गिरामी जीवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात बुजुर्गो भाइयो नौजवान साथियो वाजिब अल एहतराम मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात पर्दा नशीं रूहानी इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इल्तजा है परवरदिगारे आलम साडा सारियां दा अज दा इस मुकाम ते जमा होना खुतबा जुमा सुनना सुनाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साडे सारियां वास्ते हदायत और निजात दा सबब बनाए। जो मैं बयान करां अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए किताबो सुन्नत दे मुताबिक मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। जीवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात कुरान पाक दी सूरा मायदा दी एक आया मुबारका दा कुछ हिस्सा तुसां अहबाब दे सामने तिलावत करन दी सआदत हासिल कीती जिस दे अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अज दे दिन तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता गया वा अतममतु अलैकुम नेमती अल्लाह फरमाते ने असी अपनी नेमत दा तुहाडे ते तमाम कर दिता वरजीतु लकुम इस्लाम दीना तुहाडे वास्ते दीने इस्लाम नू पसंद फरमाया। रात इस माया मुबारका दिंदरों एक पैगाम मिलदे कि दीने इस्लाम एक नेमत है दीने इस्लाम एक दीने इस्लाम एक नेमत है और नेमत उन्हों कहते ने जिड़ी खुशी देवे जिड़ी राहत देवे नेमत उन्हों कहते ने जिदे नाल बंदे नू अमन मिले सुकून मिले और इस्लाम दे अंदर अमन ही अमन है सुकून ही सुकून है खुशी ही खुशी है राहत ही राहत है। और इस वास्ते मुसलमान कहिंदा है रजीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामि दीनम व बि मुहम्मदिर रसूला रजीतु बिल्ला रब नू रब मन के असी राजी इस्लाम नू दीन मन के असी रादी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू अपना नबी और रसूल मन के असी राजी। हजरात मैं शुरू दे अंदर ए बातां क्यों कीतियां ने कुरान पाक दी आयत और नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी इस हदीस दा तर्जमा क्यों सुनाया। पिछले हफ्ते दे दिन पाकिस्तान दे अंदर एक बड़ा दिल खराश वाकया रूनुमा होया सियालकोट के अंदर एक श्रीलंकन शहरी नूं सरेआम जिंदा जला दिता गया जिदी असी पुरजोर मुजम्मत करने हां। और उस तो बाद जो पाकिस्तान दे टीवी चैनलों अखबारात या सोशल मीडिया ते ट्रेंड बनिया जी इस्लाम दी इहदे नाल बदनामी हुई है इस्लाम की बिल्कुल बदनामी नहीं हुई इस्लामी तालीमात इस बात की इजाजत देंदियां नहीं देंदियां। पिछले दिनों न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर दर्जनों मुसलमानों नू शहीद कर दिता गया उदों ते किसे नहीं कहा फला मजहब की बदनामी हुई। एक अरसे तो कश्मीर के अंदर हिंदू इंतहा का जुलम कर रही है उदों ते किसे नहीं कहा जी हिंदू मजहब की बदनामी हुई है। अमेरिका जगह जगह ते जुलम करदा फिरदे उदों ते किसे नहीं किया जी ईसाई मजहब की बदनामी होई है यहूदी मजहब की बदनामी होई है। खुदारा रब कोलो डरो अपने मजहब की तुहीन ना करो अपने मजहब नू बदनाम ना करो जाइए
पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह की कसमे सिखिज़म नू पढ़िए, हिंदुइज़म नू पढ़िए, ईसाइयत नू पढ़िए, यहूदीयत नू पढ़िए, मजूसीयत नू पढ़िए, कोई मजहब दा मनन वाला अपने मजहब दी तुहीन करदा नहीं करदा। लेकिन अफसोस सत अफसोस पाकिस्तान के अंदर रह के कलमा पढ़न के बावजूद इस्लाम के खिलाफ रपे गंडा किया गया जी। इस्लाम बदनाम हो गया, इस्लाम नहीं बदनाम होया, जिस बंदे ने अमल किया उदा अमल गलत है, उदे अंदर कोई भी मुलव्वस है। असी भरपूर मुजम्मत करने हैं जो कुछ सियालकोट के अंदर होया, इस्लाम उदी इजाजत देंदा। इस्लाम पुर अमन अमन मजहब है, इस्लाम सलामती वाला मजहब है, इस्लाम का दूसरा नाम ही सलामती है, इस्लाम का दूसरा नाम ही सलामती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इसे हवाले इंशाअल्लाह आज दे खुतबा जुमा दे अंदर मैं चंद गुजारिशात करना चाहवांगा, दुआ करना अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए, मैनू किताब सुन्नत दे मुताबिक हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। आइए बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल अल्लाह दा कुरान सुनना और अपना ईमान ताजा करना। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सीने पाक ते कुरान पाक नादल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातु सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाजल कीता ते कायनात दे रब ने ऐलान फरमाया, फरमाया सुनिया पैगाम दे दियो अपने उम्मतियां नू, अज दे दिन तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता, अल्लाह ताला ने अपनी नेमत नू पूरा कर दिता और तुहाडे वास्ते पसंद कीते ते दीन इस्लाम नू पसंद कीता है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगो सानू इस बात ते फखर है, अलहम्दुलिल्लाह सी मुसलमान सी मुसलमान सी मुसलमान। अल्लाह को अकबर अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर एक नबी दी अस्मत दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने मा काना इब्राहीम यहूदियम वला नसरानियम वला नसरानियम वलाकिन काना गनीफम मुस्लिमा। फरमाया साडा इब्राहीम ना यहूदी सी ना ईसाई सी, बल्कि कौन सन? मुसलमान सन, मुसलमान सन। ना बदनाम करया कर अपने मजहब नू, इस्लाम अमन दा पैगाम दिंदे, इस्लाम सुकून दा पैगाम दिंदे, इस्लाम राहत दा पैगाम दिंदे। आइए तवज्जो करना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातु वसलाम नू अल्लाह ताला ने जड़ी नबुवत अता की, आलमगीर नबुवत अता की। मेरे पैगंबरी सलातु वसलाम नू रब ने जड़ी रसालत अता की, आलमगीर रसालत अता की। रब ताला ने नबी पाक ने सलातु वसलाम नू जड़ी शान अता की, पूरी कायनात नू अफजल ते आला अता की। जिवें मेरे पैगंबर दी नबुवत आलमगीर है, जिवें मेरे पैगंबर दी रसालत आलमगीर है, जिवें मेरे पैगंबर दा मुकाम ते शान आलमगीर है, एवें नबी पाक ने सलातु सलाम दा पैगाम भी आलमगीर है। अल्लाह को अकबला। आइए इस्लाम दा पैगाम हज्जतुल विदा दा मौका है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातु सलाम दे सामने बेशुमार मुसलमान ने ते रहमत कायनात ने सब पूरी दुनिया तो आए हज करने वाले मुसलमान, नबी पाक दे असहाब और दीगर मुसलमान, अल्लाह अकबर अल्लाह, जिन्ना कई ऐसे खुश नसीब ने जिन्ना नबी पाक दी ज़ियारत ही हज्जतुल विदा दे मौके ते कीती है, अल्लाह अकबर अल्लाह, पूरी दुनिया तो आए हुए मुसलमानों नू मेरे
मेरे पैगंबर ने सिर्फ मक्के का पैगाम नहीं दिता, सिर्फ मदीने का पैगाम नहीं दिता, मेरे पैगंबर ने सिर्फ अरब का पैगाम नहीं दिता, नबी पाक ने सिर्फ अफरीका का पैगाम नहीं दिता, सिर्फ एशिया का पैगाम नहीं दिता, मेरे पैगंबर जिवे नबूबत आलमगीर लैके आए, जिवे रिसालत आलमगीर लैके आए, एवं नबी पाक पैगाम भी आलमगीर लैके आए। आइए तवज्जो करना, हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातो सलाम ने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे दा कुछ हिस्सा रहमत कायनात ने सलातो सलाम फरमांदे ने, या अय्युहन्नास अला इन्ना रब्बकुम वागिद व इन्ना अबाकुम वागिद अला फजला ले अरबी आजमी। मेरे पैगंबर फरमाते ने कायनात दे लोगो, नबी पाक ने सिर्फ मक्के वाले नु मुखातब नहीं किया, मेरे पैगंबर ने सिर्फ मदीने वाले नु मुखातब नहीं किया, जिथे लफ्ते नास आ जांदे उथे पूरी कायनात आ जांदी है, जिथे लफ्ज़े नास आ जांदे उत्थे पूरी कायनात दे लोग आ जांदे ने। अल्लाह नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वागिद, ऐ लोगो तुहाडा रब भी एक ते तुहाडा अब भी एक, इन्ना रब्बकुम वागिद तुहाडा रब भी एक ते तुहाडा बाप भी एक। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम फरमाया, मेरा पैगंबर भी आलमगीर ते नबी पाक दा पैगाम भी आलमगीर, इन्ना रब्बकुम वागिद, नबी पाक फरमांदे ने तुहाडा रब भी एक ते तुहाडा आप भी एक। हज़रत आदम अली सलाम सलाम ते नबी पाक फरमांदे ने, ओ मेरे उम्मतियो कायनात दे लोगो इस्लाम दा पैगाम सुन के लै जाओ, नबी पाक फरमांदे ने किसे अरबी नू किसे अजमी ते फजीलत हासिल कोई नहीं, किसे अजमी नू किसे अरबी ते फजीलत हासिल कोई नहीं, किसे गोरे नू किसे काले ते फजीलत हासिल कोई नहीं, किसे काले नू किसे गोरे ते फजीलत हासिल कोई नहीं, इल्ला तकवाम। फरमाया फजीलत ते तकवे वाले नो। अल्लाह को अकबला ऐ हदीस सुनान दा मकसद देवे, मेरा इस्लाम आलमी इस्लाम है, मेरा मजहब आलमी मजहब है, जिन्हें एक एक पहलू का ख्याल रख के पूरी कायनात नू पैगाम दिता। इस वास्ते मेरे बरादर, इस्लाम किसे मजहब की तुहीन करदा, किसे मजहब की तोहीन नहीं करता। अल्लाह को अकबला ए वेखे, अज मैं दो चार मिसाल देना चाहना वा अल्लाह के कुरान की रोशनी के अंदर। ऐ मेरा इस्लाम है, अल्लाह की कसमे ओ इस्लाम है, जिदे अंदर हजरत मूसा अली सलातो सलाम का कुरान के अंदर 124 मुकाम ते जिक्र आए। अल्लाह को अकबला, हजरत मूसा अली सलातो सलाम के मनण वाले इसराइल वाले यहूदी वाले अल्लाह को अकबला, बनी इसराइल वाले यहूदी अल्लाह को अकबला, कुरान किताब मुसलमाना दी ते हजरत मूसा दा जिक्र किन्नी मरतबा है, 124 मरतबा। एदा मतलब है इस्लाम दे अंदर किसे मजहब दी तोहीन कोई नहीं। अल्लाह को अकबला, तवज्जो करना, हबीब इब्निया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते उतरन वाला कुरान, जिदे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र 16 मरतबा है। अल्लाह को अकबला, हजरत ईसा नु मनन वाले ईसाई ईसाइयां दे पैगंबर दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर किन्नी मरतबा,
सोलह मरतबा मेरा मजहब आलमी मजहब है। अल्लाह मेरे मजहब ने हर मजहब का ख्याल रखिए। अल्लाह को अकबर ला हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जिन्हों का जिक्र कुरान पाक के अंदर 30 मरतबा आया। बनी इसराइल का तजकरा अल्लाह ताला ने 40 मरतबा कुरान पाक के अंदर किया। और इस्लाम ते एडा अमन पसंद ते मुहज्जब मजहब है। अल्लाह को अकबर ला अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दो सूरत नाजल कीतियां ने। एक सूरत का नाम सूरा मरियम है, एक सूरत का नाम सूरा बनी इसराइल है। इस तो बड़ा इस्लाम का अमन का पैगाम और क्या हो सकता है। इस्लाम बदनाम नहीं, इस्लाम का नाम लैके कई बंदे बदनाम, इस्लाम बदनाम नहीं। ऐसेन बना लो जेड़ा को बंदा गल करता है जी इस्लाम का तशखस खराब हो, इस्लाम बदनाम होए, ओ इस्लाम नहीं बदनाम होया, ओ बदबख्त जिन्हें अमल कीता है ओ बुरा बंदा है। इस्लाम अच्छा मजहब है, मुहज्जब मजहब है। इस्लाम अमन दा पैगाम देंदे। अल्लाह को अकबर अल्लाह गौर करना, तवज्जो करना। अल्लाह दी कसम कितनी बड़ी बात है, तुरात और इंजील दीगर मजाहब दियां किताबां ने, लेकिन तुरात इंजील दा जिक्र अल्लाह तआला ने कुरान पाक दे अंदर कई मरतबा करके दसी है। इस्लाम आलमी मजहब है, इस्लाम अमन दा पैगाम देंदे। और सब तो बड़ी बात, सब तो बड़ी बात जिहड़ा मोमन बंदे जिन्नी देर तक अल्लाह दे तमाम रसूलां ते ईमान लई लैके आंदा उन्नी देर तक मोमन बन सकदा नहीं बन सकदा। मैं पिछले खुतबे जुमा दे अंदर अर्ज कीती सी, नबी पाक कोल आण वाले ने पुछिया मल ईमान, ईमान क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उहदा जवाब दिता, ईमान किए जिहदे अंदर इमाम दे अंदर शामिल वो सारियां किताबां ने जिहड़ियां अंबिया ते नाज़िल होईयां, सारे रसूल ने जिहड़े अल्लाह ने दुनिया ते जिन्हां नूं रिसालत अता करके भेजिया। इस वास्ते मेरे भाई मेरे बराबर बात समझण वाली, मौजू आम नहीं, इहनूं ज़ेहन नशीन कर लो। लोग इस्लाम नूं बदनाम करन दी कोशिश कर रहे ने। अल्लाह हू अकबर अल्लाह, इह ते बड़ी तकलीफ होई है जी। सियालकोट दे अंदर उस श्रीलंकन मैनेजर नूं अल्लाह उहनूं जला दिता गया, उहनूं ते उहदे ते जुल्म होए। अल्लाह हू अकबर अल्लाह, उहने गुस्ताखी कीती है इस वास्ते जला दिता गया। गुस्ताखी क्या है, चंद जनाब ऐसे मुकद्दस हरूफ जेड़े एक जनाब तख्ती ते लिखे हुए या एक पेपर ते लिखे हुए उन्होंने फाड़े। अल्लाह मुसलमान जज्बात दे अंदर आ गए, उन्हें जला करके रख दिता। मैं पूछना चाहना पाकिस्तान दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाम लिखे हुए झंडे ढेरों तो मिलते ने, गंदगी दे ढेर तो मिलते पै ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखिए, अल्लाह ना लैन बना के मेरे पैगंबर दा उत्ते नाम लिख के ओदी तुहीन कीती जा रही है। रहमत ते कायनात अली की सलात व सलाम दा नाम लेके मेरे पैगंबर की सलात व सलाम दी आमद दा जश्न दा नाम लेके एक बेपर्दा औरत नु बाजार के अंदर बैठा के मजाक उड़ाया जा रही है। एदा नोटिस कौन लेगा, एदे बारे कौन पूछेगा। एक गैर मुस्लिम जेड़ा अरबी जानदा ही नहीं, जेड़ा अरबी जानते ही नहीं, जेड़ा उर्दू ज्यादा जानते ही नहीं, वो चंद हरूफ जे जनाब एक पेपर ते तख्ती ते लिखे हुए उन्हें फाड़ दे ते जनाब हजारां बंदियां दा जुलूस कट्ठा हो करके फैक्ट्री का घराओ कर ले ते सरे बाजार मुसलमान अपने दीन का मजाक उड़ावे, उन्हें पूछण वाला ही कोई नहीं। तेरे मुल्के पाकिस्तान के अंदर ही होया। मैं पिछले तो पिछले जुमे दसिया सी एक 22 साल के नौजवान ने इबादत का मजाक उड़ाया, रुकू का मजाक उड़ाया, सजदे का मजाक उड़ाया। उदों ते कोई हरकत दे अंदर नहीं आया, किसे मीडिया वाले दी जुबान विचों जुमला नहीं निकलिया कि उन्हों पकड़ करके सरेआम सजा दिती जाए। हालां इबादत वाला बिलखसूस सजदे वाला अमल ऐसे, नबी पाक ने फरमाया बंदा सब तो ज्यादा रब दे करीब उदों हुंदा है जदों सजदे दे अंदर हुंदा है। जिन्हें सजदे का मजाक उड़ाया उन्हें इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया, उन्हों क्यों नहीं पूछा गया। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। हजरात आइए दीन नू पढ़िए, दीन नू समझिए, सबक हासिल कीजिए। अल्लाह हू अकबर अल्लाह, दीन क्या है इंशाअल्लाह इसे हवाले चंद गुजारशात करना चाहना, तवज्जो करना। अभी बिगबरी आ जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीने पाक ने अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। फरमाया जमीन ते फसाद ना फैलाओ। अल्लाह ताला फसाद करने वालियां नूं पसंद करदा, अल्लाह फसाद करने वालियां नूं पसंद नहीं करदा। है मेरा दीन है, मेरा दीन है, मेरा दीन है। और नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकु ज़ुल्म वा इन्ना ज़ुल्म ज़ुलमातु यौमल क़यामा। फरमाया कायनात दे लोगो के ज़ुल्म तो बचो, ज़ुल्म क़यामत दे अंधेरियां दे रुख अंधेरा है। ते नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों सैयदना खदर ते मुआद रज़ी अल्लाहु तआला को नु यमन हाकम ते मुबल्लग बना करके भेजिया ना, रहमत कायनात फरमांदे ने पाईया कावा करा इमा अमवाले गिम वत्ता के दावत अल मजलूम वा इन्ना हु लैसा बैना हु वा बैन अल्लाह के जा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने आवाज यमन विच जा रही है ते लोगां दे माल नजायज तरीके नाल नहीं हड़प करने। अल्लाह को अकबर ला ते मजलूम दी बददुआ तो बच के रहने, मजलूम दी बददुआ तो बच के रहने। क्योंकि नबी पाक फरमांदे ने मजलूम दे दरमियान ते रब दे दरमियान कोई पर्दा कोई नहीं, कोई हिजाब कोई नहीं। इधर मजलूम हा कढ़ दे उधर रब दार छिल जांदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे बरादर मेरे मोहतरम, ऐ मेरा दीन है, मेरा इस्लाम है। इस्लाम अमन दा नाम है, इस्लाम सलामती दा नाम है। ऐ वेखे आडे नबी पाक री सलातो सलाम नु अल्लाह ताला ने बड़िया सारिया कामयाबियां अता कीतियां। सब तो बड़ी फतह इस्लाम दी मक्के दी फतह है, जिन्हों कुरान ने कहा इन्ना फतहना लका फतगम मुबीन। ऐ बहुत बड़ी फतह अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नूं अता कीती है। ते इस्लाम दा इस फतह दे मौके ते पैगाम के आ गए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मैं इंज दे भी बदनसीब वेखे ने जिन्हां नूं फतह मिली है, उन्हां बेईमाना मुसलमाना दियां खोपड़ियां उतार करके उन्हां दे अंदर शराबां डाल करके पीतियां ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मैं इंज दे बेईमान भी वेखे ने, इंज दे शैतान भी वेखे ने जिन्हां मुसलमान दियां औरतां इज्जत दी पैमाल कीती, इज्जत नूं पैमाल कीता है। अल्लाह कतल करम दे बाद मुसलमान औरतां दियां छातियां कट दित्तियां गईयां ने। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम दा मजहब, मेरा मजहब अमन दा मजहब। अल्लाह को अकबर। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम जदों फाते बन के मक्के दे अंदर दाखिल होए ना, नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा जेड़ा बंदा अबू सुफियान दे घर दे अंदर दाखिल हो जाए फाहुआ आमिनुन वो अमन दे अंदर आ गए, उन्होंने कुछ कहना उन्हों नहीं कुछ कहना। हालां अबू सुफियान ने जिन्ना मेरे पैगंबर नूं दौरे जखलीयत दे अंदर बड़िया तकलीफां दित्तियां ने, लेकिन मेरे इस्लाम का पैगाम नोट करके लै जा, मेरे इस्लाम की तारीख ते मेरे इस्लाम का पसे मंदर पढ़ के लै जा, इस्लाम नू बदनाम ना कर अपनी जात वास्ते। अल्लाह नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे मेरे सहाबा जेड़ा बंदा असला सुट देवे पाखुआ आमिनुन उन्हू भी कुछ नहीं कहना। मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने घर के अंदर अपने दाखिल होकर के अपने घर का दरवाजा बंद कर लवे पाखुआ आमिनुन उन्हू भी कुछ नहीं कहना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मस्जिद हराम दे अंदर दाखिल हो जाए उन्हू भी कुछ नहीं कहना। जिन्हू कोई मुसलमान बना देवे पाखुआ आमिनुन वह भी अमन दे अंदर आ गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। Allah
फरमाया तुहाडे वास्ते दीने इस्लाम नूं पसंद कीता है। ते जरा मिल के बोलो, गड के बोलो, असी मुसलमान होण ते राजी हां, असी मुसलमान होण ते राजी हां। साडा इस्लाम सब तो अच्छा मजहब है, साडा इस्लाम सब तो बेहतरीन मजहब है, साडा इस्लाम इज्जत वाला मजहब है, साडा इस्लाम हया वाला मजहब है, साडा इस्लाम गैरत वाला मजहब है, साडा इस्लाम अमन वाला मजहब है। अल्लाह को अकबर लाओ, किस इस्लाम नु बदनाम करना चाहते जे है। वेखो ना मेरे पैगंबर सलाम नु सतान वाला, मेरे पैगंबर की तुहीन करन वाला मस्जिद नबी दे अंदर आ गए। सहाबा ने नु जनाब रस्सियां नाल बन दिता है। अल्लाह को अकबर लाओ, नबी पाक के दिन मुखातब होए ने ते सोने की तुहीन करता है, बद कलामी कर दे, बद जुबानी कर दे। तीन दिन मेरे पैगंबर ने अपने घरों खाना भी खिलाया, दुध भी पिलाया। तिना दिन बाद मेरे मुहम्मद ने रिहाइयां दे दित्तियां ने। ऐ मेरा इस्लाम है। अल्लाह को अकबर लाओ, मेरे पैगंबर सलातो सलाम बदर का मौका है। एक बंदा जड़ा जनाब है मक्के दा काफरां दा बहुत बड़ा खतीब है, ते खिताबत दे अंदर मेरे पैगंबर की तुहीन करया कर दे, मेरे पैगंबर दियां गुस्साखियां करया कर दे। अज बदर की लड़ाई के अंदर जड़े 70 कैदी आए ने, उन्होंने कैदियों के अंदर ये खतीब भी आ गए, अरब का खतीब आ गए। ते गदर ते उमर ने वेखिया ना, ते जान दियो ना, उमर इस्लाम नाल प्यार करन वाला, उमर इस्लाम नाल मुहब्बत करन वाला। हज़रत ते उमर कहंदे ने, सोणिया ऐ ओ बद नसीब है जिहड़ा खिताबत दे अंदर तुहाडियां गुस्साखियां करिया करदा सी। ते मेरा दिल कर दे सामने दो दंद तोड़ देइए, इन्हें तुहाडी तुहीन कीती, इस्लाम की तुहीन कीती है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, उमर मैनू ये तेरा मशवरा पसंद आया। ऐ जे इस्लाम, ऐ जे इस्लाम, अल्लाह साडे नजदीक इस दुनिया कायनात दे अंदर सब तो बड़ी अगर तुहीन है ते नबी पाक दी तुहीन है। सब तो बड़ी तुहीन किदी है? नबी पाक दी तुहीन है। लेकिन सदके जावा नबुवत दे हौसले तो, सदके जावा नबी पाक अली सलातो वसलाम दी तालीम तो, नबी पाक चांदे ते दे दंद तोड़वा देंदे हैं। अल्लाह अकबर ला। लेकिन सोने ने पैगाम दिते, इस्लाम अमन दा पैगाम है, इस्लाम अमन दा पैगाम है। हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिवें मेरे पैगंबर सलातो सलाम हाथां दे सोने, जिवें मेरे पैगंबर जुल्फां दे सोने, जिवें नबी पाक पेशानी दे सोने, जिवें नबी पाक खोंटां दे सोने, जिवें मेरे पैगंबर सीने दे सोने, जिवें मेरे पैगंबर पसीने दे सोने, जिवें नबी पाक ने सलातो सलाम हुस्नो जमाल दे तबार नाल पूरी कायनात तो अफजल ते आला ने, इवें मेरे पैगंबर अमन दे इतबार नाल भी पूरी कायनात तो अफजल ते आला ने। गल नबी पाक दे हुस्न दी आई है, ते मैं मुहब्बत एदार करना चाहना। ओ ज़ुल्फ़ां गसीन गोसन चेगेरा कमाल सोना, जुल्फां गसीन घोसर चेगेरा कमाल सोना, जुल्फां गसीन घोसर चेगेरा कमाल सोना। सारे जगान विचों आमिना दा लाल सोना, जुल्फां गसीन घोसर चेगेरा कमाल सोना, तक चेगेरा कलमा पढ़ गए आलम यहूदियां दे, तक चेगेरा कलमा पढ़ गए आलम यहूदियां दे। दो जग तो निराला, दो जग तो निराला, हुस्नो जमाल सोना, जुल्फां गसीन घोसर चेगेरा कमाल सोना। सारे जगान विचों
आमिना दलाल सोना जुल्फा गसीन खोसर चेंगेरा कमाल सोना जमीनो आसमा विच तक लोवा जगह विच जमीनो आसमा विच तक लोवा जगह विच महबूबे किबरियादी महबूबे किबरियादी कोई नहीं मिसाल होना जुल्फां गसीन गोसर चेंगेरा कमाल सोना ते शायर ने बड़ा खूबसूरत मंजर खिंचया मंजर कशी फरमाई हिजरत दी रात जदों नबी पाक ने सलातो सलाम मक्कियों कदर ते सिद्दीक अकबर दे नाल निकले ना ते मक्के दे काफर एक दूसरे नु कहंदे पै ने यार जे नबी नु लभणे ते पहले अबू बकर नु लभो ते शायर ने अपना तखय्युल बयान कीता अल्लाह हु अकबर जे ढूंढना है नबी नू ढूंढो अबू बकर नूल जे ढूंढना है नबी नूल ढूंढो अबू बकर नूल अबू बकर मुस्तफा दे हर जात नाल होना जुल्फां गसीन गोसर चेंगेरा कमाल सोना सारे जगान विचों आमिना दा लाल सोना जुल्फां गसीन गोसर चेंगेरा कमाल सोना बड़ा वड्डा जुमला इंशाल्लाह सुन के सीना ठंड पै जाएगी इमाम दादा हो जाएगा अकदमां दी खड़ खड़ा खट जनती भी सुन दे गोसन कदमां दी खड़ खड़ा घट जन्नती भी सुन दे गोसन कदमां दी खड़ खड़ा घट जन्नती भी सुन दे गोसन तवजो तवजो कदमां दी खड़ खड़ा घट जन्नती भी सुन दे गोसन तैबा दी गलियां अंदर तैबा दी गलियां अंदर तो टुरदा बिलाल गोणा जुल्फां गसीन गोसर चेंगेरा कमाल सोना सारे जगान विचों आमिना दा लाल सोना जुल्फां गसीन गोसर ओ सोने पैगंबर दा सोना पैगाम इस्लाम दा पैगाम आइए चंद मिसाल तवजो करना गार करना इस्लाम दा पैगाम अमन दा पैगाम रहमत कायनात फरमांदे ने ला यरहमुल्ला मल्ला यरहमुन्नास नबी पाक फरमांदे ने जड़ा बंदा रहम नहीं करदा रब उन्हां ते रहम करदा जेड़ा रहम नहीं करदा रब उहदे ते रहम करदा करो मेहरबानी तो महले जमी पर खुदा खुश होगा अरशे बरी पर रहम दा पैगाम इस्लाम दा पैगाम मेरे पैगंबर सलातो सलाम ने किसे दी दिल अदारी किसे नू तकलीफ देना ना पसंद कीता रहमत कायनात फरमांदे ने तीन बंदे कट्ठे होण तीन बंदे किसे मजलस दे अंदर होण किसे सफर दे अंदर होण जिथे भी बैठे होण नबी पाक फरमांदे ने तीन बंदे कट्ठे होण वेख वेखिया जे कितना बड़ा पैगाम इस्लाम दा मुहब्बत दा पैगाम नबी पाक फरमांदे ने तीन बंदे कट्ठे होण ते दो बंदे अलग हो करके सरगोशी ना करन अल्लाह एदी वजह करके जिहड़ा तीसरा बंदे उहदे दिल दे अंदर तकलीफ होएगी उहदे दिल दे अंदर परेशानी होएगी तीन बंदियो ते आपस दे अंदर तिन्ना गल करनी है अलग हो के दो बंदियां गल करनी नहीं करनी मेरा इस्लाम ते दिल अदारी भी पसंद नहीं करदा मेरा इस्लाम जिंदा जलाना किवें पसंद कर सकदा है अल्लाह को अकबर अल्लाह इधर वेखण
ਸੁਣਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ 70 ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਲਾਮਤ ਇਮਾਨ ਦੀ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਮਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬੱਲਾ ਰਸਤੇ ਦਿਨੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਇਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਬਦਨਾਮ ਉਹ ਬੋਲੋ ਇਸਲਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਹਬੀਬੇ ਕਬਰੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਓਏ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜਾਏ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣੀਏ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣੇ ਬਹਿਣੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਗਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਮਲਾਉਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਦੋ ਮਲਾਉਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਉਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕੈਸਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਵਲ ਮਾ ਯੁਖਾਸਬ ਬਿਹਿ ਲਬਦੁ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ ਅਸਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਵਲ ਮਾ ਯੁਹਾਸਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਵਲ ਮਾ ਯੁਕਜ਼ਾ ਬੈਨ ਨਾਸ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ ਫਿਦਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਖੂਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਡੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਖੂਨ ਬਗਾਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਖਾਰੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਏ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा सफर दे अंदर जा रही है, चलदियां चलदियां उन्हें कुएं दे किनारे ते वेखिया ना एक जनाब कुत्ता प्यासा, प्यास दी वजह करके ऐ मिट्टी जनाब गिल्ली मिट्टी उन्हें चटदा पिया है, अल्लाह उन्हें खांदा पिया है। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने इस बंदे ने अपने मौजे दे अंदर पानी डाले, इस कुत्ते नु पला दिता है, अल्लाह ताला ने इस कुत्ते नाल नरमी ते रहम करम दी वड़ा करके नु जन्नत दा दाखला ता कर छड़िया है। ऐ जे मेरे इस्लाम दा चेहरा, ऐ जे मेरे इस्लाम दा पैगाम। दूसरी हदीस हजरत अनस बयान करदे ने, नबी पाक ने फरमाया कि फाहिशा औरत एक कंजरी औरत गर्मी दी शिद्दत दे अंदर सफर करदी पई है, एने वेखिया कुएं दे किनारे एक कुत्ते दा बच्चा प्यासा मरदा पिया है, अल्लाह अकबर इन्हें अपना मौजा उतारिए इंज कुएं दे अंदर लटका करके इनू पानी पिला दिता है, अल्लाह ताला ने कुत्ते दे बच्चे पानी पिलान दी वड़ा करके दी बख्शिश कर दी है, इदी नजात कर दी है। अल्लाह को अकबर ला। ओए कायनात दे लोगो, जुल्म हुंदा वेख करके सेल्फियां ना लिया करो, जुल्म हुंदा वेख करके वीडियो ना बनाया करो, जुल्म हुंदा वेख करके चुप ना रिया करो, मजलूम दा साथ दिया करो, माड़ियां दे मुआवन बन दिया करो, जालम दे हाथ नु रोकया करो। अल्लाह को अकबर ला। ओ इंसान ते जुल्म ते इस्लाम बर्दाश्त करदा ही नहीं, जानवरां ते भी जुल्म कीता जाए मेरा इस्लाम बर्दाश्त नहीं करदा। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक नी सलातो सलाम ने फरमाया एक औरत एक बिल्ली दी वड़ा करके उन्हें अजाब दिता गया, एक औरत नू एक बिल्ली दी वड़ा करके, एक बिल्ली दी वड़ा करके वजह क्या सी, उस औरत नू रस्सी डाली, ना पानी पिलाया, ना खाना खिलाया, ना आजाद छड़िया, ओ भुखी प्यासी मर गई। इन्हें औरत इस औरत ने एक जानवर बिल्ली ते जुल्म कीता, नबी पाक ने फरमाया इस वजह करके अल्लाह ताला नू अजाब दिता है। हुण दसो खां जिहड़ा इस्लाम एक बिल्ली ते जुल्म करन दे इवज दे अंदर सजा देवे, ओ इंसान अशरफुल मखलूकात नू जलाण दी इजाजत देंदे? अल्लाह याद जे ना जो नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी बेटी सय्यदा ज़ैनब सब कहदे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हबार बिन अस्वद ने नबी पाक दी बेटी दे पेट दे अंदर नेजा मारिया, नबी पाक नू पता चलिया, नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा हबार जिथे लब जाए ओनू फड़ के जिंदा जला दियो। फिर अल्लाह ताला ने वही नाजल कीती, अल्लाह फरमांदे ने सुनिया अग दा अजाब देना मैं रब दी शान है, मेरे पैगंबर ने अपना फतवा अपना फैसला वापस लिया, नबी पाक ने अपना फैसला वापस लिया। अल्लाह हू अकबर। ओ बेटियां नाल वड्डा दुख किदा हुंदा है, फिर बेटी सोने मुहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम नु रब ने सोने नु मना कर दिता, सोनिया मेरी मखलूक नु अग दा अजाब देना तुसा नहीं दे सकते, ये मेरा अख्तियार है। अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन लोग ने किन्ना दे तरबियत याफ्ता ने जेडे इस तरह दे अल्लाह अकबर हथ कंडे करते ने। अल्लाह की कसम ओदी वजह ये कोई है साडे लोगों के ज़ेहन दे अंदर बैठा दिता, फलां गुस्ताख है, फलां गुस्ताख है, फलां ओते सीरी लंकन सी ना गैर मुस्लिम सी, इत्थे पाकिस्तान के अंदर कलमा गो दे खिलाफ फतवे लगते पैने, गुस्ताख है फड़ के कतल कर दे मुसलमानों के खिलाफ, जेडे पांच वक्त दे नमाजी भी ने, इस्लाम ते अमल भी करते ने, किताब सुन्नत दे दाई भी ने, हदीसे मुस्तफा दे दिफा करन वाले भी ने, नबी पाक दी सुन्नत दे रखवाले भी ने, उन्हां नूं भी लोग कहंदे ने ऐ कौन ने, ए कौन ने, गुस्ताख ने। अल्लाह मेरी तौबा। जदों ज़ेहन ही बना दिता जाना है तकरीर दसना ही है फलां गुस्ताख है, फलां गुस्ताख है, फलां गुस्ताख है। अल्लाह अकबर। कौम नूं दीन दसो, दीन समझाओ, इस्लाम समझाओ, लोगां दे जज्बात गैर चीजां ते गलत चीजां ते ना उभारो, इस्लाम का सच्चा पैगाम दियो। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, गौर करना, हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम ने मुहब्बत का पैगाम दिता, रहमत का पैगाम दिता। इसे पैगाम नु आम कीजिए, इस्लाम का चेहरा लोगों के सामने रखिए। इस्लाम अमन का पैगाम है, इस्लाम सलामती का नाम है। अल्लाह को अकबल्ला हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला दे दौर के अंदर सब तो बड़ा लश्कर रवाना किया गया, जिन्हों लश्करे उसामा कहा जाता है। रजी अल्लाह खुदान को रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे यारे गार सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह खुदान को ने जो लश्कर रवाना किया ते दस गल्लां कीतियां लश्कर दे अमीर नु फरमान लगे ला तक्तुलन्ना इमरातन। ओए काफले वालियो लश्कर वालियो जिथे चले दे उथे जंग दे अंदर औरतां नु कतल करना, औरतां नु कतल नहीं जे करना। वाला सही बा ते छोटे बच्चियां नु भी कुछ कहना है, चले जंग दे ने मैं सदके जावा इस्लाम दी तरबियत तो। वो जंग दे अंदर कौन किदा ख्याल रख दे, लेकिन ये ख्याल मेरे इस्लाम ने रखे है। कहिंदे ना जी जंग दे अंदर किसी का कोई एहतराम नहीं होंदा, लेकिन इस्लाम ने जंग का भी एहतराम दसिया। इस्लाम ने बोलो वो जिहड़ा दीन जंग का एहतराम दसे, जिहड़ा इस्लाम जंग का एहतराम दसे, अल्लाह हू अकबर उस इस्लाम नू बदनाम कर दियो, उस इस्लाम दे बारे गल कर दियो। अल्लाह अकबर इस्लाम अमल पसंद हबीब गबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबरी सलातो सलाम दे यारे गार सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को फरमांदे ने ओए लश्कर वाले पहली गल वे किसी औरत नू नहीं कतल करना, दूसरी गल किसी बच्चे नू नहीं कतल करना, ते तीसरी गल किसी बुजुर्ग नू भी कुछ कहना, किसी बजुर्ग नु भी कुछ नहीं कहना। अल्लाह हुण जंग मुसलमान जंग किन्ना नाल लड़दे ने बोलो, ओ बोलो काफरां नाल, ते काफरां दा एडा ख्याल रखिया जा रहा है कि इन्हां दे बाबियां नू कुछ कहना, इन्हां दे बच्चियां नू कुछ कहना, इन्हां दीआं औरतां नू कुछ कहना। अल्लाहु अकबर ला, बस उन्हां नू कुछ कहना है जिहड़े इस्लाम दे मुखालफ ने। नौजवान जिहड़े सरे जनाब बाजार निकल करके लड़ाई वास्ते मद्दे मुकाबल आ गए ने, उन्हां नाल लड़ाई करनी है। अल्लाह कौन कह रहे ने, नबी पाक दे यारे गार कह रहे ने हबीबे गबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दी तरबियत दा असर मदनपुरी आ फैसलाबादियां इस्लाम दा पैगाम नोट करके लै जाणो और दस देना मेरा इस्लाम आए जिदे अंदर ला तक्तुलन्न इमरातन वला सय्यिबन वला कबीरा, और जिदे अंदर औरत नू नहीं कतल करना, जिदे अंदर छोटियां नू नहीं कतल करना, जंग दे दौरान किसे बुजुर्ग नू कतल नहीं करना। गदर ते सिद्दीक अकबर फरमान देने वाला तक तू अन्ना शाजरन मुसमेरा, ते ऐसे दरखत नू भी नहीं वढ़ना जड़ा फलदार होवे, ऐसे दरखत नू भी नहीं कटना जिदे ते फल लगदा होए। ते फरमान देने वाला तो खरी बनना आ मेरा आए ने इस्लाम दे पैगाम तो सदके जावा। हजरत सिद्दीक फरमान देने ऐसे इलाके नू वीरान नहीं करना जड़ा इलाका आबाद है, उस इलाके नू वीरान नहीं जे करना, उदी आबादी नहीं जे खराब करनी। फरमाया अपने खाने तो अलावा बिला वड़ा किसे ऊंट नू भी ज़िबा नहीं करना, किसे बकरी नू भी ज़िबा नहीं करना। अल्लाह को अकबर ला वला ताहकिरन्ना नखला, किसे खजूर दे दरखत नू भी नहीं वड़ना। अल्लाह को अकबर ला वला तफरीकन्ना गुवला तफरीकन्ना गुवला तफरीकन्ना गुवला तफरीकन्ना गुल। अल्लाह को अकबर ला कायनात दे लोगो अल्लाह की कसम असी दीन नहीं बढ़
ਲੜਿਆ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੁਜ਼ ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਖਾਣੀ ਆ 10 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਉਸਾਨਾ ਉਸਾਮਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਏ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਵਾ ਅਤਮਮਤੁ ਅਲੈਕੁਮ ਨਿਅਮਤੀ ਵਾ ਰਜ਼ੀਤੁ ਲਕੁਮੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੀਨ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਦੀ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਏ 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 ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਕਾਫਰ ਬੇਦੀਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਕੈਦੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਮਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਸੰਮਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ